राधा स्वामी। आप लोगों को दो शब्द सुने हैं, मेरा ये टॉपिक आज का नहीं है, मैं तो जीने का राज बताऊंगा आज थोड़ा सा। हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई आस लेकर जीतता है। जिंदगी का जो हमारा सिलसिला है सारा, वो किसी न किसी आस पर आधारित है। और बुजुर्गों ने कहा है, जब तक श्वास तब तक आस, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक सांस चल रही है कोई ना कोई हमें आशा बनी रहेगी। आदमी हॉस्पिटल में है तो भी, हालांकि डॉक्टर्स ने कह दिया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आशा है, शायद वो बच जाए, आशा रखते हैं ना हम। तो जैसी, फिर ये भी कहा गया संतो, जैसी आशा वैसी वासा, जैसा तुम्हारा ख्याल होगा, जैसी तुम्हारी आशा होगी, उसके मुताबिक तुम्हारा जिंदगी बदलती जाएगी। आशा अच्छी है जीवन अच्छा होगा, आशा बुरी है तो जीवन बुरा होगा। अब दाता दयाल जी महाराज जी ने इसके ऊपर दो विचार प्रकट किए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि अगर तुम्हें आस करनी ही है तो काहे की आस करो भाई। जो पहली बात उन्होंने कही कि जो तुमने आशा करनी है किसी चीज़ की, तो आपको किस चीज़ की आशा करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, आस कर गुरु की दया की, हो ना तू उदास कभी। ये कहा कि अगर तूने कोई आशा करनी है तो गुरु की दया की आशा करके, वो मेरे ऊपर दया करने वाले हैं, दया करते हैं और दया करते रहेंगे, ये आशा करो। आस कर गुरु की दया की, हो ना तू उदास कभी। फिर कहा, जो हुआ उदास समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। ये भी कंडीशन लगा दी, अगर तू आशा करता है और बाद में उदास हो जाता है तो तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं है, तो तुम फिर दुखी हो जाओगे। जो भी आशा करने, फिर क्या होगा इसका मतलब, जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, तुम्हारा मन शांत रहेगा, अपने आप को माइनस कर लो, बच जाओगे। अब जो आज मैं आपको शब्द सुना रहा हूँ वो और भी इससे ज़्यादा कीमती है, जो मैं तुम्हें यहाँ सुना रहा हूँ, दाता दयाल जी महाराज ने ही लिखा है। उनका शब्द क्या है कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसे होगी वो भी उन्होंने लिखा, ये पढ़ो सवाल, आप पढ़ो। मन सा हो मन सा होगी तेरी पूरी, मन सा होगी तेरी पूरी, मन से कर ले गुरु का ध्यान। अब उन्होंने एक नुक्ता बता दिया यहाँ कि ऐ इंसान, तू जो भी आशा करता है वो पूरी हो जाएगी, तू क्या कर, तू मन से गुरु का ध्यान कर। और ये संत मत है, और यही गायत्री मंत्र में भी कहा गया है, यही सनातन धर्म भी कहते हैं। क्या कहा उन्होंने, क्या लिखा, लेकिन कौन पूछता है सनातन धर्म को आज। या मेरे पास अभी 5-6 आदमी आए हुए थे आगरा से, बैठे भी चाय पानी पी खाना खाए, मैं कहा चलो सत्संग चलो, नहीं जी अब हमने वैष्णो देवी जाना है, जाओ भी फिर जहाँ क्या लेना है, जहाँ क्या करने। लोग मानवता मंदिर को अपना स्टेशन बनाया हुआ है कि वहाँ रहने को भी जगह मिल जाती है, खाने को भी जगह मिल जाती है, खाओ पियो फिर अमृतसर जाओ, फिर वो बाघा बॉर्डर देखो, जब बिजनेस कर लो, कोई सामान खरीद लो, और फिर सत्संग सुनना हो सुनो, नहीं तो घर को जाओ। ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, जो बहुत घरों का, मैंने उनको यही कहा कि तुम बहुत घरों के मेहमान हो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्या कहा मैंने, मैंने क्या लेना। अब यहाँ कह दिया दाता दयाल ने कि तुम गुरु का ध्यान करो, बहुत ऊंची बात कही है ये, ध्यान करो। अब ध्यान करने से होगा क्या, वो सुनना मेरी बात को ध्यान से। बहुत लोग ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं और मांगते भी हैं,
लेकिन एक बात को ख्याल रखना जो मैं कहने जा रहा हूँ कि उस ध्यान से भी वो गुरु जिसका तुम ध्यान करते हो वो बेहतर जानता है कि तुम्हारी कौन सी आशा पूरी करनी है, कौन सी आशा पूरी नहीं करनी है। फिर क्या होता है, वो जो तुम्हारी डिमांड है कि ये हो जाए ये हो जाए, वो उस ख्याल को ही ख़त्म कर देते हैं। तुम्हारा विचार ही वो ख़त्म कर देंगे कि ये बच्चा तू मांग रहा है ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये काम मत कर, तू मेरे ऊपर अपने आप को छोड़ दे, जो होगा तेरे भले के लिए होगा। वहाँ फिर क्या होता है, जब आदमी की आशा पूरी नहीं होती तो वो गुरु को ही छोड़ देता है, कहते मैं तो मंगया बथेरा, मैंने तो मिलया नहीं, जो मेहनत मानता सी मैंने तो मिलया नहीं, तो वो छोड़ देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो बेहतर जानता है तुम्हारा गुरु, वो तुम्हारा इष्ट बेहतर जानता है कि तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना है। मेरी बात को पकड़ो, मैंने क्या कहा, बहुत ऊंची बात कह दी मैं अशोक कुमार, जो नहीं आशा पूरी हुई इसका मतलब इससे तुम्हें उस तुम्हारा भला है और तुम उस आशा को छोड़ जाओगे, भूल जाओगे, ख्याल ही भूल जाओगे। ये उस बुद्ध का खेल है, ये गुरु का खेल है, ये मेरे ज़िंदगी का अनुभव है जो मैंने आपको बताया कि वो बेहतर जानता है जिसका तुम ध्यान करते हो कि जो तुम मांग रहे हो पता नहीं उससे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अच्छा होगा, इसलिए गुरु बेहतर जानता है कि ये अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग से वो ख्याल ही निकाल देगा। क्या कहा मैंने, दुनिया इसलिए करती कि हमें जय मिल जाए, हमें जय मिल जाए, हमें जय मिल जाए, तो कैसे मिलेगा, वो तो उसने देना है, जिसने देना है वो बेहतर जानता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। जब तुम इस नतीजे पर पहुंच जाओगे तुम्हें कभी भी अशांति नहीं होगी, तुम्हारा गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। और तुम्हें फिर बाद में ये भी पता लग जाएगा कि मेरी आशा ये पूरी नहीं हुई, मालिक ने अच्छा किया, गाड़ी का पंचर हो गया, चलते चलते गाड़ी का पंचर हो गया, तुम वहाँ वहाँ भगवान को कोसने लग जाते हो या तुम किसी और को कोसने लग जाते हो, तुम्हें क्या पता कि गाड़ी का पंचर क्यों हुआ, आगे जाते क्या हो जाता। क्या कहा मैंने, मेरी बात, मैं धर्मशाला में था तो धर्मशाला में तिब्बती गुरु रहते हैं दलाई लामा जी, एक दफ़ा उनका काफिला अमृतसर जा रहा था, भाई उन्होंने जहाज़ पकड़ना होगा, तो यहाँ जब वो नूरपुर के पास पहुँचे तो अभी पहाड़ियाँ थी, तो उन्होंने अपने सबको रोक लिया, भाई ठहर जाओ, रुक जाओ, किसी ने आगे नहीं जाना। तो पंजाब रोडवेज की बस आई, वो आगे गई तो उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत आदमी उसमें मर गए। ये मेरी अपनी सुनी हुई बात है, मैं धर्मशाला में था तब, वहाँ धर्मशाला में बड़ा शोर हुआ कैसे हुआ। फिर उनके जो साथी थे दलाई लामा जी महाराज के, उन्होंने उसको पूछा, महाराज जी आपने हमें क्यों रोका था। उन्होंने कहा कि ये लोग देखते नहीं, मेरी नज़र है कि इस वक्त यहाँ से देवताओं की बरात जा रही थी, देवता जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो उनके दखल जो भी देगा वो कैसे बचेगा। मेरी बात समझ गए, क्योंकि हमारी तो नज़र है नहीं, उनकी तो नज़र थी, उन्होंने बता दिया और रोक दिया सबको, जिनको नहीं पता था आगे एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये 1968 की बात है, 1968 की बात था, मैं धर्मशाला में था। तो इसलिए कुदरत जो करती है, गुरु बेहतर जानता है, अगर तुमने गुरु को धारण किया है, अगर तुमने गुरु को माना है, अरे यूं ही नहीं लिख दिया हमारे सनातन धर्म वालों ने, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः, कहीं भगवान का नाम है, कहीं किसी का नाम है, गुरु का नाम है वहाँ। फिर लिख दिया साथ ही, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम पूजा मूलम गुरु पदम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा, लो फैसला ही कर दिया।
फिर कहाँ भटकते फिरते हो तुम, कहाँ दौड़े फिरते हो तुम, कौन सी यात्राएं करते हो तुम, क्या मिलेगा मुझे बताइए आप, तुम सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बाबा फकीर का स्थान है, यहाँ सत्य बात कही जाती है, कोई ये नहीं तो आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहता मैं, क्योंकि मेरा भ्रम दूर हो गया, इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने जो लिखा। अब आगे पढ़ो। मनसा होगी तेरी पूरी, मन से कर ले गुरु का ध्यान, मूल नाम गुरु नाम है, मूल रूप गुरु रूप। अब देखो क्या कह दिया, कौन सा मूल नाम, कौन सा नाम है मूल, मूल कहते हैं जड़, जिसके ऊपर वृक्ष खड़ा होता है। तुम्हारा जीवन किस पर वृक्ष ठहरा हुआ है? गुरु के नाम पर। लेकिन दुनिया ने क्या गुरु के नाम को समझा? नहीं समझा। मेरा देश ऋषियों का देश होते हुए, महापुरुषों का देश होते हुए, गुरुओं का देश होते हुए, जिन्होंने इतनी नाम की महिमा की है और हमने उस नाम की क्या कदर की है, तुम खुद देखते हो। कहते मूल नाम गुरु नाम है, मूल रूप गुरु रूप। कहाँ है किसी और का नाम लिखा है यहाँ कि उसका ध्यान करो उसका ध्यान ना करो? मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं असलियत बता रहा हूँ, तुम करो जिसका मर्जी ध्यान, मैं नहीं कहता। लेकिन गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है, गुरु है सबसे बड़ा, गुरु वाक्यम बड़ा है, गुरु का वाक ही नाम है। और इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मैं कमरे में बंद करके नाम नहीं देता, मेरा सत्संग ही नाम दान है, जिसने समझना समझ लो, जिसकी किस्मत में है ले ले, जिसकी किस्मत में नहीं ले ले। उन्होंने कोई कमी छोड़ी? लेकिन कौन सुनता है इन बातों को? कोई नहीं सुनता। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। मूल नाम गुरु नाम है, मूल रूप गुरु रूप, मूल भजन गुरु शब्द का, गुरु निर्वाण के भूप। और गुरु ही निर्वाण करवाता है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण किसको कहते हैं? किसी चीज़ की आदत पड़ी हुई है ना, बाण कहते हैं इज्जत किसी आदत को, बाण तनु की पंजाबी का शब्द है कि बाण तनु बुरी बाण पै गई, बुजुर्ग कहा करते थे, अब तक तो ज़माना ही बदल गया, तनु बुरी बाण पै, बाण मीन आदत। वो कहते हैं निर्वाण गुरु देता है। कैसा निर्वाण देता है? सबसे पहला निर्वाण क्या है? निर्वाण जो मैंने समझा हजूर बाबा फकीर की संगत में बैठ कर, एक है निर्वाण, एक है मुक्ति, दो दो शब्द, एक 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 शब्द और भी है वो बीच में आता है। निर्वाण क्या? हमारे मन की आदत है दौड़ना, हमारे मन की आदत है भागते रहना, जो देखता है उधर भागता है, जो सुनता है उधर भागता है, जो खाने का स्वाद लगता है उधर भागता है, भागता है कि नहीं भागता? गुरु की कृपा से हमारा मन ठहर जाता है, जब ठहर गया तो इसको निर्वाण मिल गया। किस बात से? दौड़ने से। इसमें एकाग्रता आ गई, ये ठहर गया, कहाँ? यहाँ ठहर गया। गुरु ने कहा कि बच्चा तू इस नाम का स्मरण यहाँ किया कर, अपने दोनों आँखों के मध्य में यहाँ किया कर, शिव नेत्र के ऊपर ध्यान किया कर और नाम का स्मरण किया कर, तो क्या होगा? मन की दौड़ खत्म हो जाएगी, तुम ठहर जाओगे। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? एक मानसिक शांति मिलेगी। जिसका मन दौड़ा ही हुआ है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, उसको सपने भी बुरे आएंगे और उसकी दौड़ भी, दौड़ रखी है उसको शांति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कहा गया कि क्या है, गुरु का शब्द ही भजन है। भजन मीन उसका अंदर सुनने की कोशिश करना और अंदर ही ध्यान करना और अंदर ही उस मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, तुम्हें एक मन से निर्वाण मिल जाएगा।
एक बात, दूसरी बात और कह देता हूँ, हमें जन्म देने वाली कौन चीज़ है? हमारा जो जीवन है इस वक्त जो चल रहा है, हमारा जन्म दोबारा क्यों होगा, कैसे होगा, किस बात से हो सकता है या किस बात से नहीं हो सकता, यो बताने जा रहा हूँ। इसी बात को सामने रखते हुए हर इंसान, जैसे कि हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब इंसान अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उसके सामने अपने जीवन की सारी फिल्म चलती है, सारी जिंदगी उसके सामने आ जाती है कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। इसमें बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा हूँ, क्योंकि हिसाब यही होता है, पहले यहाँ हिसाब होता है, अगला जैसे तुमने किसी दुकान से सामान लेना शुरू किया हुआ है, ले रहे हो ना, उधार आ रहा है कि ये तनख्वाह तो बाद दे देंगे, ऐसे होता है ना, तो फिर महीने के बाद आप जाते हैं तो लाला जी कहेगा बाबूजी पहले पिछला हिसाब दो फिर मैं अगला खाता थोड़ा खोलना, क्योंकि शोक मैं ठीक कह रहा हूँ। तो ऐसे ही जो हमारा आखिरी समय आएगा तो उस वक्त जो जो भी दूत आते हैं वो कहते हैं पिछले पहले पिछला हिसाब दे भाई, क्या किया तुमने, क्या किया, तो वो सारी फिल्म सामने आती है। तो उस वक्त जो हमारा मन जिस ख्याल में चला जाएगा उसी ख्याल के मुताबिक हमें दूसरा जन्म मिलेगा। अंत मता सो गता, ये कहा संतों ने, अंत में जो तुम्हारा ख्याल होगा उसके मुताबिक यहाँ तुम्हारी लगन लगी वही तुम्हारा जन्म होगा। और अगर अगर गुरु की दया से, अगर गुरु के वचन पर आप चले हुए हैं, आप एकाग्र चित रहते हैं, आपको मन को नियंत्रण करने का पता है, तो क्या होगा, उस वक्त आप मन में कोई ख्याल ही नहीं लेंगे, कोई ख्याल नहीं, केवल गुरु का ख्याल है, केवल गुरु के ज्ञान का ख्याल है कि मैं क्या हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शब्द रूप हूँ। तो फिर आप कहाँ जाओगे, प्रकाश में जाओगे या शब्द में जाओगे, तुम्हारा जन्म मरण होगा ही नहीं, क्या कहा मैंने। तो मन ने तुम्हारा जन्म देना है, तुम्हारे विचार ने तुम्हारे बांधना है तुमको, इसलिए जिसका जिंदगी में अनुभव नहीं हुआ कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कहाँ ठहराना है, तो मरते समय वो कैसे कर सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं अभ्यास करो, साधन करो, मन को कंट्रोल करो, जीते जी। जिसको निर्वाण जहाँ नहीं मिला आगे कहाँ मिलेगा, जिसको यहाँ कंट्रोल नहीं कर सका मन को, वो मरने के समय कैसे कर सकेगा, क्या कहा मैंने अभय कुमार। ये है गुरु, गुरु का जे गुरु का शिष्य बोल रहा है, परमपिता परमदयाल फकीर जी महाराज की वाणी के मैं बोल रहा हूँ कि ऐ इंसान, तू तो बहुत ऊंची हस्ती रखता था, लेकिन तुझे किसने मारा, तेरी आशाओं ने तुम्हें बांध दिया, और मैंने उस आशा से छूटने का आपको तरीका बता दिया कि तुम कैसे छूटोगे। आस कर गुरु की दया की, हो ना तू उदास कभी, जो हुआ उदास समझ ले, तू ना गुरु का दास कभी, क्या कहा मैंने। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अपने आप को, अपने आप को गुरु के जब हवाले करके चलोगे, अरे तुम कहीं की कहीं ऊपर पहुँच जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी बनती जाएगी और तुम्हारा दिन भी बनता जाएगा। आगे चलो। गुरु की प्रीत ही है मैं धार, गुरु की प्रीत ही है मैं धार, मिलेगा तब सच्चा गुरु ज्ञान। क्या कहा यार, तू तो दूर बैठा है मुझे, तेरे को पता है मेरे कान कम काम करते हैं मेरी तरफ मुंह करके बोला करो, फिर मुझे पता लग जाता है। गुरु का प्रीत ही है धार, मिलेगा तब सच्चा गुरु ज्ञान। क्या कहते हैं, दिल में किसको ला, गुरु को अपने हृदय में ले आओ, फिर क्या मिलेगा, सच्चा ज्ञान मिलेगा। और फिर गुरु किसको मानना, ये भी सुन लो मेरी बात, अगर तुमने गुरु को इंसान माना तो फिर इंसान के गुण अवगुण आप में आएंगे,
क्या कहा मैंने, अगर गुरु को तुमने इंसान माना, जैसे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि अगर तुमने मुझे ये समझा ये फकीर चंद पंडित मसलाम का बेटा है, थारा रेलवे मंडी जाने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा उन्होंने, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा, गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमा, वो तो सब कुछ वही है और वो तो सबसे ऊंचा है। शब्द भी उसके अधीन है, प्रकाश भी उसके अधीन है, वो है गुरु हमारा, वो नहीं जो शरीर में बैठा है। और कबीर साहब ने तो बड़ी ऊंची आवाज में कहा है, मगर सुनता कौन है, कबीर को मानने वाले नहीं सुनते। गुरु को मनुष्य जानते ते नर के ये अंध, अंधे हैं वो, दुखी हो संसार में आगे जम का फंड। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीर ता दास को चिंता भरमा। वो तो शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी दुखी रहेंगे, क्लियर कह दिया। अब किस गुरु को रखना है वो मैंने आपको बताया, गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको वो क्या है, वो भी बता दूंगा, मेरे सतगुरु की दया बरस रही है। और वो क्या है, उसको ही ये में बैठाना है, वो रूप नहीं है, वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो समझ है, वो विवेक है, जो तुम्हारे अंदर वो भर देता है और वो तुम्हारी जिंदगी को बनाता जाता है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। तीरथ में है पत्थर पानी, व्रत में कठिन कलेश। आपको क्या कहते हैं, दाता दयाल जी महाराज ने बड़े कठोर शब्दों में कहा है, तीर्थ में क्या है, तीर्थ में क्या है, पत्थर है या पानी है और क्या है, और व्रत में क्या है, कष्ट क्लेश है। अभी औरतों ने व्रत रखा हुआ था, मेरी बहुओं ने भी रखा हुआ था, तड़के 4 बजे उठ गई हैं बेचारियाँ, नहा के वो कुछ खा के, मैं की सरगी खान लगी हैं, खा लो भाई सरगी खा लो, वो 4 बज गए कुछ नहीं खाया, वो मैं कह कुड़ियो चाह तो पी लो, चाह पी लो कुछ नहीं होंगे, मैं जिम्मेदार है। बड़ी ने तो चाह पी ली, छोटी कहनी नहीं मैं तो डैडी चाह भी नहीं पीनी, मैं तो रोटी खानी रात में, मेरी क्या सारा दिन भुखे। अच्छा है वैसे सेहत ठीक रहती है, पेट में रेस्ट मिल जाती है, अच्छी गल है, इस ख्याल से तो ठीक है व्रत रखना चाहिए। मैं भी कभी रखता था, हर मंगलवार नहीं खाना कुछ भी, व्रत रख लेता था, बात समझ गए। लेकिन फिर उसमें देखा कि इससे कमज़ोर होता है शरीर। मैं पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, लिखना होता था, पढ़ना होता था और मुकाबले करने होते थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कहा कुछ नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, तो कोई जरूरी पेट पर ना, सवेर तो व्रत रख दिया, रात में 8 परौंठे खा ले, उसका की फ़ायदा होया, बात समझ गया। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, कोई व्रत व्रत नहीं रखने की लोड़ हैगी, अकल आ गई ना गुरु के चरणों में बैठ कर, अकल आ गई, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, थोड़ा खाओ ज़्यादा ना खाओ, ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। और परमदयाल जी महाराज ने जहाँ तक कह दिया कि जब रोटी बहुत स्वाद लगन लगे उसे छोड़ दो खाने, लेकिन उसमें तो बंदा कहता है बहुत स्वाद एक होता है एक और दे दे, समझ गए ना, तो वो नुकसान करती है। तो क्या कहा, पढ़ो फिर पढ़ो। तीरथ में है पत्थर पानी, व्रत में कठिन क्लेश। कष्ट क्लेश होता है, शरीर मांगता है कुछ खाने को, उसको चाहिए, और पत्थर वहाँ क्या है, जाओ जहाँ भी मर्जी जाओ तुम्हें पत्थर की मूर्ति मिलेगी या पानी मिलेगा, है ना। बाकी तो ड्रामे बड़े बनाए हुए हैं आजकल, तो धर्म ने तो हमारे देश को लूट के खा लिया, धर्म ने हमारा जितना नुकसान हमारे समाज को किया है वो धर्मों ने किया है, धर्मों ने हमें लड़ा दिया, धर्मों ने हमें लूट लिया, पैसे से भी लूटा, हमारी शांति भी लूटी, हमें छोड़ा ही किसी काम का नहीं है। धर्म है इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन हम तो धर्म के साथ ऐसे बढ़ गए हैं कि दूसरे को देखकर हम राजी नहीं हैं, और तो और क्या, राधा स्वामी वाले राधा स्वामियों को देख के खुश नहीं हैं। क्या काम, वो मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, वो शुरू शुरू में मेरे से हमारे घर से बड़ा प्रेम था उसका,
आ जाना ना, राधा स्वामी बात की बातें करनी धीरे धीरे से। तो वो एक बैसाखी पर यहाँ भी आए अपने पति के साथ। उसके बाद उसने आने बंद कर दिया क्योंकि वो ब्यास की सत्संगन है। लो जी क्या बात है, क्या बात है, क्यों जी तुसी ब्यास नहीं जानते इसीलिए तुहाडे नहीं आना नहीं। ठीक है, ये दुनिया जे राधा स्वामी मत की हाल बता रहा हूँ। और सनातन धर्म तो है ही नहीं रहा, सनातन धर्म तो गायब हो गया मेरे देश से। क्या कहूँ मैं आपको, किसको कहूँ, कौन कौन सुनने वाला है। क्योंकि साधन बना लिया, धर्म को साधन बना लिया रोटी खाने का, और कुछ भी नहीं रहा। धर्म तो दात, क्या कहूँ मैं आपको। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है धर्म के बारे में, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। धर्म वो जो ड्यूटी कुदरत ने तुम्हारे को लगाई है वो है धर्म तुम्हारा, बाकी बनाया गया है धर्म। किसी ऋषि ने नहीं लिखा कि ऐसा धर्म बनाओ, नियम बनाए उन्होंने जीने के रहने के लिए। किसी गुरु ने नहीं कहा कि तुम डेरे बना लो, नहीं कहा। जब बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज तो कुटिया में रहते थे, छोटी सी कुटिया उन्होंने बनाई हुई थी, और रोटी भी नहीं खाते थे। एक बीबी आती थी गांव से, वो रोटियां उसके छप्पर के साथ बांध जाती थी, दाता बाबा सावन सिंह जी के छप्पर के साथ, वो उनकी जो एक झोंपड़ी थी। तो वो स्वादिष्ट उठते थे, उनको रोटियों को लगाना, ब्यास में किनारे बैठ जाना, पानी में भगो भगो कर खा लेनी। उस वक्त पानी भी बड़ा अच्छा था, अब तो पानी भी गंदा हो गया। तो ऐसा उन्होंने अपना जीवन बताया। तो फिर दाता बाबा जी सावन सिंह जी आ गए, उन्होंने कहा महाराज पानी दूर से लाना पड़ता है आपके नहाने के लिए पीने के लिए, तो जहाँ मैं कुआं बनवा दूँ। उन्होंने इनकार किया, नहीं नहीं सावन सिंह, क्या जरूरत है सावणियाँ, क्या जरूरत है, पानी बढ़िया है। लेकिन उन्होंने बना दिया, कुआं भी खोद दिया। फिर उन्होंने वो सत्संग भी बना दिया। संत नहीं चाहते। मैं मुझे याद है बाबा फकीर जी महाराज 1962 में जब सत्संग हो रहा था महात्मा मोहनलाल जी के घर में, तो सारे, उस वक्त तो कोई ट्रस्ट नहीं था, उस वक्त तो महाराज के प्रेमी थे, सज्जन थे बहुत, जो महाराज को दिली प्रेम करते थे। सरदार लाल सिंह था, उनका छोटा भाई अमरजीत सिंह था, बड़ा भाई डॉक्टर दर्शन सिंह था, एक मास्टर जी होते थे सिंहपुर से, वो मास्टर मोहनलाल, और मेरे प्यारे नारायण दास, ये सारे वहाँ सत्संग के बाद इकट्ठे हुए। मैं वही था, महाराज ऐसे नहीं, कोई स्थान होना चाहिए, नहीं तो आपकी शिक्षा खत्म हो जाएगी। तो महाराज ने कहा मैंने किसी से पैसा नहीं मांगना, मुझे क्या जरूरत है डेरा बनाने की, भाई जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे ना आए, मैंने मेरे पास पैसा नहीं है। तो सिर्फ दुर्गादास, वो फोटो लगा उनका, उन्होंने कहा महाराज ए लो 22,000 रुपया, उन्होंने 22,000 दिया। फिर बाकी उन्हें थोड़ा थोड़ा अपना डाला हिस्सा जिसका भी था। तो ये ज़मीन ली गई, उस पर ये ज़मीन एक आदमी के नहीं हो सकती थी, ये भी एक रूल था उस वक्त। तो ये 3 आदमियों के नाम पर लिखी, वो नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा। और बाकी रह गई थोड़ी ज़मीन, फिर नारायण दास कहते जी मैं ले लेता हूँ, तब जाकर ये बना। बात मेरी समझ गए। और वो तो कहा करते थे खसम नु खाए मंदिर में, मंदिर से क्या लेना। क्या कहा मैंने, संतों की पहचान ये होती है। तो ये क्या कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज, सब संतों ने कहा कि वो तुम्हारे खट में है, ये महल है, ये चदरिया है, ये सबने कहा, लेकिन सुनता कौन है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, खोज री पिया को निज घट में, अपने घट में खोज ले अपने पिया को, तुम्हारे अंदर है। सब कुछ कहा लेकिन कोई सुनता नहीं है, गाफिल दुनिया का मेरा कलाम, दाता दयाल जी महाराज आखिर में लिख गए। कहाँ भटको, भटको भाई, फिर भटको का काल और माया ने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम बच नहीं सकते हो। तुम्हें सत्संग भी मिला फिर भी तुमने ये किया। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो, क्या कहते हैं।
वाद विवाद से मन हो चंचल है, वाद विवाद से मन हो चंचल है, तत् गुरु उपदेश। वो कहते हैं वाद विवाद मत करो किसी से। गुरबाणी कहती मूर्ख नाल ना उलझिए। मूर्खों से क्या उलझना, क्या कहना उनको को तुम जिधर चलो। साची कहूँ तो मारसी ये तुर्कानी जोर, कबीर साहब ने लिखा। अगर मैं सच्ची बात कहता हूँ तो ये तुर्क जो हैं ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। सच्ची बात को कौन सुनता है, साच कहूँ तो मारसी। कहते वाद विवाद में ना पढ़ो भाई, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आगे क्या क्या चीज़ अच्छी है, गुरु उपदेश ठीक है। जो गुरु ने तुम्हें बात कही है वो आपके लिए लाभदायक है। बाकी किसी को ना सुनने की जरूरत है ना सुनाने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई सुनेगा ना सुनाने की जरूरत है। क्या कहा मैंने, आगे बढ़े। करे जो गुरु की संगत प्राणी, करे जो गुरु की संगत प्राणी, वह फिर पड़े न भव की खान। क्या कहा, करे जो प्राणी गुरु की संगत, करे जो प्राणी गुरु की संगत, वह फिर पड़े न भव की खान। वो कहते हैं फिर तू फिर क्या कर भाई, दाता दयाल जी कहते हैं फिर तू क्या कर भाई। ऊपर तो खंडन कर दिया कि तीर्थ व्रत में क्या है, कुछ नहीं रखा हुआ, तो फिर तू अब क्या कर। कहते गुरु की संगत कर, उससे क्या होगा, तुम भव की खान में नहीं पड़ोगे, तुम भव सागर से बच जाओगे। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु की संगत की कैसे जाए। अब आप लोग बैठे हैं हजूर बाबा फकीर की संगत में बैठे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा है, आपको विचार मिल रहे हैं। एक तो ये होगी संगत, बैठे सत्संग सुना। लेकिन अगर आप इस बात को सुना कर बस मंदिर की उस गेट से बाहर जाकर भूल जाते हो तो फिर आप गुरु की संगत नहीं की। गुरु की संगत ये है कि जो सुना है उसके ऊपर गुणन करते रहो, उस पर विचार करते रहो हर वक्त, जब वेले बैठो, जब फ्री हो, क्या सुना था मैंने, क्या कहा था वहाँ सत्संग में, कौन सी बात अच्छी लगी मुझे। उन्होंने तो ये कहा कि जो शायद गुरु है तो गुरु ने जो कहा वो सत्य है, या जो मैं दुनिया को सुनता हूँ वो सत्य है। जो दुनिया कहती वो सत्य नहीं है, जो गुरु कहता है वो सत्य है, वो सत्य वाक्यम, वो गुरु का वाक्यम जो है वो सत्य है। उसको विचार अगर करते रहोगे तो आप हर समय गुरु के साथ हो। जो गुरु की वाणी को याद रखता है, जो गुरु की शिक्षा को याद रखता है, जब भी फ्री मन होता है तो वो गुरु के साथ होता है। जो यहाँ बैठा और बाद में सब कुछ भूल गया, फिर वो गुरु की संगत में नहीं रहता, फिर तो अपने मन की संगत में चला जाता है। वो मन की उतेर जुड़ में लग जाता है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वो सोचता है, और दुनिया के उसी भवजाल में फिर फंस जाता है। भवजाल है क्या, मन की कल्पनाएँ और क्या है, मन की वासनाएँ और क्या है, मन के विचार, ये भव सागर है और क्या है। अगर उनको छोड़कर आपने गुरु की बात को पकड़ लिया तो यहाँ से जब आप अंदर जाओगे तुम्हारी दुनिया अपने आप बनती जाएगी। कुदरत तो तुम्हें ऐसे रास्ते पर लेते जाएगी, लेती जाएगी, लेती जाएगी कि तुम मंजिल पर पहुँच जाओगे, ये निश्चित है, क्योंकि तुमने गुरु का साथ कर लिया। क्या कहा मैंने, आगे चलो। गुरु विष्णु गुरु शिव की मूरत, गुरु विष्णु गुरु शिव की मूरत, गुरु को ब्रह्मा जाने। अब तीन बातें कह दी उन्होंने और दाता दयाल जी ने, गुरु कौन है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश है, तीनों मान लो। अब ये कैसे हैं, ये अब सवाल पैदा होता है कि ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश है क्या, क्या ये कोई देवता है, क्या ये कोई ब्रह्मा है जिसके चार मुख हैं, क्या ये कोई विष्णु है जो शैया के ऊपर बैठा लेटा हुआ है और लक्ष्मी जी उनकी पूजा कर रही है। नहीं,
क्या वो शिव है जिसके गले में सांपों की सांप है और गले में मुंड माला है, हाथ में त्रिशूल है और डमरू है? ये वो नहीं है। ये बनाए गए हैं, हमें एक इष्ट दिया गया कि इनकी पूजा करो तुम, दुनिया करती है। ये है क्या? ये कुदरती ताकतें हैं कुदरत की। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसी शक्ति है जो पैदा करती है, प्रोटॉन्स ऐसी शक्ति है जो उसको मेंटेन करती है, और फिर न्यूट्रॉन मेवा जो चीज़ पैदा हुई ठहरी और समाप्त हो गई। ये तीन कानून यहाँ काम करते हैं। अब हमारे ये तीनों के तीन शक्तियाँ हमारे अपने अंदर है, और कहाँ कह के लेके जाऊँ आपको मैं। हर इंसान, क्योंकि ये अशरफ मखलूक आते हैं, ये शरीर टॉप ऑफ द क्रिएशन है, ये नारायणी देह है, और इसको ये कहा कि ये जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में सो इसमें है। तो अगर ये तीन ताकतें ब्रह्मंड में हैं, ब्रह्मा भी विष्णु भी और महेश भी, तो वो हमारे शरीर में भी होनी चाहिए। हैं वो, अगले हफ्ते बताऊंगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा बता देता। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर उत्पत्ति करने वाली ताकत नहीं है? है, तुम्हारे अंदर है वो ताकत जो बच्चे पैदा करती है, कोई देवी देवता नहीं आके करता। क्या कहा मैं? और तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है ब्रह्मा जो ख्याल पैदा करता है तुम्हारे अंदर, वो भी सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर ही वो ब्रह्मा है जो तुम्हें सात्विक बनाता है या तामसिक बनाता है या राजसिक बनाता है, जो भी तुम्हारे अपने अंदर है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ब्रह्मा तुम्हारे अंदर है, विष्णु तुम्हारे अंदर है। हजूर बाबा फकीर जी महाराज ने बनाया, विष्णु हमारे पेट में रहता है या नाभि में रहता है। क्यों? हमारे सारे शरीर की पालन पोषण कौन करता है? पेट, और तो नहीं कोई करता, यही करता है ना। एक बार क्या हुआ कि पांच ज्ञान इंद्रियों ने और पांच कर्म इंद्रियों ने एक मीटिंग की। मैं आपको रोचक बात बताने लगा। मीटिंग की कि देखो, हाथ कहते हम मर गए कमाई करते, हम कमाते हैं, और पैर कहते हम दौड़े रहते हैं, और ये है मुंह कहता मैं खा लेता हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहता, और ये तो अंदर चला जाता है तो सारा पेट ही सब कुछ संभाले बैठा है। तो हम चलो हम हट स्ट्राइक कर देते हैं, हम नहीं हड़ताल कर देने, हमने काम ही नहीं करना, बैठ गए है ना, दासी बैठ गए। कर्म इंद्रिय के नहीं हस भी नहीं काम करना, ज्ञान इंद्रिय के नहीं हस भी नहीं काम करना, हूँ पेट में कुछ मिले ही नहीं खाने, तो क्या होना सी फिर? जल भुख लगी होंगी बंदे दिल करता कम करने नू? करता ना, पानी ना पीवे तद भी बुरा हाल, रोटी ना खा तद भी बुरा हाल। एक दिन निकल गया, दूजा भी निकल गया, तो फिर हाथ भी सोचते यार ताकत ही खत्म हो गई, हाथ ही नहीं उठता की करिए। मुँह कहता मित्र तो बोल ही नहीं होंदा हूँ, मैं कितना बोलना भाई। पैर कहते मैं भी नहीं तुर सकता, भी मैं की करा। कहते असी बहुत गलती की है, यही तो साडा रक्षक है, असी ये खिलाफ चले गए तो भुखा ही मरना, होर की करना। बात समझ रहे मेरी? मैं रोशक बात कही, सारे ने मत्था टेकया पेट में, कहते नहीं पेट असी तो कोई लड़ाई नहीं करनी, साडा साथ दो, असी कम करांगे, तुसी अपना कम करो, असी आप कम करांगे। तो शरीर क्या है? शरीर अयोध्या नगरी है। मुझे नहीं पता और कोई अयोध्या नगरी होगी। यहाँ कोई युद्ध नहीं होता, इस शरीर में कोई युद्ध नहीं होता। हर शरीर का अंग अपना अपना काम करके हमें चलने के काबिल बना रहा है, हमें बोलने के काबिल बना रहा है, हमें नाम का सिमरन करने के काबिल बना रहा है, गुरु की संगत में जाने के काबिल बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा? यही अयोध्या है,
इसी में तुम्हारा राम रहता है और इसी में तुम्हारी सीता रहती है। लेकिन जब रजोगुणी ताकत ज़्यादा हो जाती है तो फिर सीता मन के काबू हो जाती जो रावण है। क्या कहा मैंने और क्या कहूँ मैं, इसलिए क्या कहा दाता दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, पढ़ो यही लाइन। गुरु विष्णु गुरु शिव की मूरत गुरु को ब्रह्मा जाने। बस मान लो कि वो तुम्हारे से अलग नहीं है, तुम बाहर जहां मर्जी भटकते फिरो तुम्हें सुख शांति समृद्धि नहीं मिलेगी। हाँ तुम्हारी थोड़ी बहुत जो मनोकामना होगी वो तो अलॉट हुई हुई है, तो होनी है पूरी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा कर्म किया हुआ तुम्हें फल मिलना ही है, चाहे तुम पूजा करो चाहे पाठ करो जो मर्जी करो, कर्म करना है तो उसका फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। अच्छा फल किया अच्छा कर्म किया तो कहीं जाके माफ़ी मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर किस बात की माफ़ी मांगनी है, हमने गुरु की संगत में बैठे हैं, हमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। बुरा कर्म किया होता तो हम यहाँ ही नहीं आते, कभी ना हमें मिलती गुरु की संगत। आपको ये भी बता देता हूँ, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं जो किसी गुरु की संगत में जाकर उस चीज़ को प्राप्त करते हैं जिसके लिए सत्संग दिया जाता है। क्या कहा मैंने, इसलिए गुरु क्या, मैं तीनों चीज़ें आपको बता दें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और दाता दयाल जी ने ये कहा और मैंने कह दिया कि वो कहाँ हैं, वो तुम्हारे अपने खट में हैं। 33 कोटि कहते, कोटि मुझे नहीं पता, शास्त्र कहते 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे अपने अंदर हैं। पृथ्वी का तत्व तुम्हारी मूलाधार में है, जल का तत्व तुम्हारी इंद्री में है, अग्नि का तत्व तुम्हारे नाभि में है, हृदय का तत्व जो हवा का है वो हमारे हृदय में है, विष्णु जी यहाँ हैं अग्नि, और यहाँ हमारा शिव है जिसको हृदय कहते हैं है, और यहाँ कंठ में हमारे आकाश तत्व है। आकाश तत्व अगर ना हो किसी के अंदर तो ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। जिसका आकाश तत्व नहीं है शरीर में वो गूंगा भी होगा और बहरा भी होगा, क्योंकि उसके शरीर में उस दोनों चीज़ों की कमी रह गई। इसलिए ये हमारे में बहुत बड़ी कृपा है उस मालिक की कि हम देख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम कर्म भी कर सकते हैं। वो तुम्हारी अपनी नियत पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा कर्म करते हो। इंसान बिल्कुल फ्री है कर्म करने के लिए, लेकिन विवेक के साथ किया जाए कर्म वो लाभदायक होता है, अज्ञान के साथ कर्म किया गया गले की फांसी बनता है। आगे चलो। गुरु ब्रह्म गुरु पर ब्रह्म है, गुरु ब्रह्म गुरु पर ब्रह्म है, अपनी बुद्धि पिछान है। अपनी बुद्धि से विचार करो, बेवकूफ मैंने बता दिया, बाहर नहीं है। आगे। गुरु की भक्ति सबका सार है, गुरु की भक्ति सबका सार है, और सब भरम अज्ञान। वो कहते हैं अब सबसे बढ़िया चीज क्या है, पूजा तीर्थ व्रत दान पुण्य जा कोई और ऐसा आडंबर कर्मकांड नहीं, कुछ भी नहीं, गुरु की भक्ति सबसे उत्तम है। और गुरु की भक्ति ये नहीं है कि तुमने कपड़े दे दिए पैसे दे दिए जा और उनकी सेवा मानसिक शारीरिक सेवा की। परमदयाल जी महाराज ने तो ओपनली कहा कि मैंने दाता दयाल जी महाराज की शारीरिक रूप से बहुत सेवा की क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, ऐसा कहा उन्होंने। मैं अज्ञानी था तो उनके लिए सोने का ताज लेकर गया, चांदी का हुक्का लेकर गया, जरीदार कपड़े बनाए, सिंहासन बनाया, और मुझे उन्होंने क्या कहा 1921 में, चेत 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 मेरे भाई रासे कुरावे भूला बरमाना, ऐसा उन्होंने कहा। मैं तो इतनी सेवा करने गया, उन्होंने कहा था तू भुलिया फिर।
इन्हें चीज़ों से तुम कुछ नहीं मिलना। गुरु की भक्ति क्या है, दाता मेरे बता गए परम दयाल जी महाराज, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो ये गुनो। ये पहली बात। दूसरी फिर कहा, दर्शन करे वचन पुण सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुन गुन कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। ये है गुरु भक्ति। जा गुरु के सत्संग में जाना, उनके वचन को सुनना, पूरी तरह से ध्यान से सुनना, और फिर उनको अपने हृदय में उतारना, उस पर मनन करना, उस पर चलना, अपने जीवन में उतारना, और उतार कर फिर निर्भय हो जाना, क्योंकि पूरा ज्ञान हो गया कि असलियत ये नहीं, असलियत ये है। जो कुछ है मेरे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो ये समझ लेगा कि मेरे अंदर है, तो वो ताकतवर हो जाएगा ना, वो निर्भय हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, निडर हो जाता है। उसको न किसी को भय देता है, ना वो भय किसी से लेता है, क्योंकि वो निर्मल हो जाता है। इसलिए गुरु भक्ति सबसे ऊंची है, ये दाता दयाल जी महाराज ने लिखा। बाकी दुनिया कैसे गुरु भक्ति करती मुझे नहीं पता, जो मैंने की दाता के दरबार में बैठकर मैंने वो आपको बता दी। आगे कहो। भटक भटक करे भटका जग में, भटक भटक करे भटका जग में, भटका बारंबार। और संसार में इंसान कहते भटक रहा है, बार बार भटक रहा है, बार बार जन्म लेता है और भटक रहा है, और भटका बारंबार वही भटक रहा है। जब गुरु मिला तो क्या कमाना हो, जब गुरु मिल गया फिर काहे की तीर्थ यात्रा, फिर काहे का जे पूजा पाठ, किसकी पूजा और किसका पाठ। दाता दयाल जी का एक शब्द है बहुत प्यारा, मुझे अब याद नहीं आएगा, वो कहते मैं अब किसकी पूजा करूं, किसकी मैं पूजा करूं, वो तो मिल गया जो बिछड़ा था। आपको अशोक ने सुनाया था ना एक बार शब्द, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हम उनको इंतजारी क्या। ये कबीर साहब ने कहा है। सिर्फ वो भटके हुए हैं जिन्होंने उसको अलग समझा, जो दुविधा में है, जो दुई में है कि वो अलग है मेरे से अलग है, इसके दुई को दूर कर मन से, ये भी कह दिया कबीर साहब ने। वो दूर नहीं है, तुम्हें दूर बने बैठे हो। क्या कहा, इसलिए पढ़ो यही लाइन भक्ति। भटक भटक कर भटका जग में, भटका बारंबार। भटकेंगे जिनको ज्ञान नहीं, जिनको गुरु की बात समझ नहीं आई। और मैं दूसरे के शब्दों में कहूँगा, काल ने उनको अपना बंदी बनाया हुआ है, उनकी वासना ने उनको अपना बंदी बनाया हुआ है, उनकी मन की माया ने उनको जकड़ा हुआ है। वो आ ही नहीं सकते दरबार में, गुरु के दरबार में उनको आने की ताकत ही नहीं है, उनके पाँव नहीं चलेंगे इधर को आने के लिए, क्योंकि वो काल और माया के अधीन हैं और उनका अभी समय नहीं आया। इसलिए दाता दयाल ने लिख दिया कि भटक रहा है इंसान, बारम्बार भटक रहा है। आगे, जाके मन में अटक समाना, जाके मन में अटक समाना, जाए न भव के पार। और जो अटक गया कहीं पे, वही जाना है, उधर ही जाना है, उधर ही जाना है, उधर जाना, वो भवसागर को कैसे पार करेगा। भवसागर में तो गुरु का, हम छोटे छोटे होते थे, मुझे याद आ रहा है, कभी कभी मैं सोचता चल जाता हूँ, बैग चल जाता हूँ, तो गांव में गुरुपुरब मनाया जाता था। गुरुपुरब जानते हैं ना, गुरुओं के गुरुपुरब, तो वहाँ गाना गाया करते थे, आओ सिंगो पार नंगिना जिना, गुरु शब्द जहाज बनाया, आ जाओ शब्द जहाज बनाया। असी सोचते होंगे सी भी जहाज उच्चा चल जाता होना, वो तो चल जाए चल जाते होने, अब पता लगा कि नहीं, गुरु की बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे।
गुरु की बाणी जहाज है, जिसने उस बाणी को पकड़ लिया वो उसको कभी भटकने नहीं देगी। गुरु की बात इंसान को भटकने नहीं देती है और वो फिर भवसागर में नहीं जाता। वो ख्याल आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकदम गुरु की याद आ जाती है, ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। जब गुरु पास है तो फिर दूसरा ख्याल आएगा नहीं, तुम्हें अंदर से जगा देता है वो। करके देख लो, तुम अपना आप करके देख लो, अगर आपको गुरु से प्यार है, पूरा प्यार है, और तुमने गुरु की वाणी को समझ लिया और तुम बैठ गए, तुम्हारा मन शिलांगे लगा लेता है, दौड़ता है, तुम्हें एकदम याद आया कि ये कुछ भी नहीं है, दाता ने बोला था ये ख्याल नहीं, इनके पीछे नहीं जाना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, तो तुम एकदम गुरु याद आ जाएगा, तुम एकदम चेतवान हो जाओगे, फिर काटोगे उन ख्यालों को, फिर वो ख्याल आएंगे, फिर काटोगे, फिर उनको ख्याल आ, फिर काटोगे। इसको कहते हैं घटकी कबड्डी, गुरु महाराज ने लिखा है, इसको घटकी कबड्डी कहते हैं, अपने मन में, मन के साथ कबड्डी खेलना, सुरत खेलती उसके साथ, अपने अंदर से सुरत बोलती है ये ख्याल ठीक नहीं है, मोड़ के लाएगी इस मन को अंदर, और वो मन आखिरी हार जाता है, क्योंकि ताकत सुरत की है, सुरत के बगैर मन की ताकत कुछ भी नहीं है, मन कुछ नहीं कर सकता। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ, दाता दयाल जी महाराज स्कूल में मास्टर भी रहे, दाता दयाल जी महाराज, वो शहर का नाम मुझे भूल गया, तो दाता दयाल जी महाराज जा रहे थे, पगडंडियाँ होती थी, सड़कें कहाँ होती थी, तो ऊपर से पत्थर गिरा हुआ सड़क के पगडंडी पर, तो चार पांच बच्चे बेचारे खड़े हैं, कैसे जाएं, वो बड़ा जोर लगाएं, वो पत्थर कहाँ हिले। दाता दयाल जी कहते हो बच्चों क्या हुआ, मास्टर जी ये पत्थर गिर गया, आप स्कूल जाना लेट हो जाएंगे हम। अच्छा कोई बात नहीं, आप बसते रखो, मैं एक दो तीन कहूँगा, तुमने जोर लगाना। उन बच्चों ने हाथ लगा दिया पत्थर को, पहले मन से करते थे ना, मन से करते, जब मैं बोलूँगा एक दो तीन तो जोर लगा देना और पत्थर जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या होता, फिर जब एक दो तीन कहा जाता है, एक दो तीन तो मन में सुरत आ जाती है, होश पूरी ताकत, वो धक्का लगाया पत्थर गया। बात समझ गए ना, तुम्हारा मन अपनी ताकत बिल्कुल नहीं रखता, इसकी ताकत है ही नहीं, इसकी ताकत सुरत में है। जब तक तुम्हारी सुरत यहाँ मन के साथ नहीं आएगी, रूप नहीं बनेगा। जब तक सुरत यहाँ तुम्हारे साथ मन में नहीं आएगी, तुम सिमरन नहीं कर सकोगे। इसलिए सुरत को मन के साथ लगाओ, वो साथी है तुम्हारी, वो है ताकत, वो है हस्ती। मन की हस्ती नहीं है, शरीर की भी हस्ती नहीं, शरीर में तो जीवन है, शरीर में जीवन है, हस्ती नहीं है, हस्ती और है, जीवन और है, तो जीवन हस्ती के साथ चलता है। मेरा हाथ हिल रहा है ना, हस्ती के साथ हिल रहा है, हस्ती है अंदर, वो बोल, मैं बोल रहा हूँ हस्ती के साथ बोल रहा हूँ। जब हस्ती चल जाएगी, बोलना बंद, हाथ भी गिर जाएगा, क्या कहा अशोक मैंने, बात समझ गया ना। तो जो हस्ती है वो मैं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं हस्ती हूँ, और हस्ती माल के कुल की अंश है, मैं उसकी अंश हूँ, क्या कहा मैंने। जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं उसकी अंश हूँ, तुम्हें ये रेवड़ियाँ रेवड़ियाँ नहीं फिर चपोगे, फिर ये कुछ भी नज़र नहीं आता, ये है ही कुछ नहीं, ये दिखावा है, झूठ है, सब कुछ झूठ है। जब तुम्हें अपने रूप का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम इस दुनिया के बखेड़ों से बहुत दूर चले जाते हो, क्या कहा मैंने। इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, गुरु भक्ति इम्पोर्टेंट है, गुरु का वचन सुन प्यारे, ये क्या कहा, मैं कह दिया ना, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, वो है मंत्र पूरा जो तुम्हें बताया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किसी और मूर्ति का ध्यान नहीं, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण ही पूजा के काबिल है, और वो चरण क्या है, तुम्हारे अंदर अपने प्रकाश है, वो है चरण।
बाहर के उस रूप का तो सम्मान है, उनकी कृपा है, उनका मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा ऋणी हूँ और वो ऋण मैं उतार रहा हूँ जिन्होंने ये कृपा करके मुझे आपकी सेवा में बिठाया है। मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है, मैं केवल अपने सतगुरु की वाणी तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ और ये मैं ऋण उतार रहा हूँ। अगर आपको कुछ पता लग जाए तो मैं समझूंगा मैंने गुरु की ड्यूटी पूरी कर दी। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ा। तू सोच समझ चित धारे, तू सोच समझ चित धारे, बात ये साची मन से मान। क्या कहते, सोच समझ ले भाई, तू बात को समझ ले और बात को मन में बैठा ले, तब तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो नहीं। आगे। राधा स्वामी सतगुरु पूरे धारा संत अवतार। वो कहते हैं राधा स्वामी कौन है? राधा स्वामी वो नहीं जो राधा स्वामी कहता है। तो मिलते हो ना, राधा स्वामी वाले भी आपस में मिलते हैं, वो राधा स्वामी कहते हैं, दूसरे अपने ख्याल से अपने लोगों का जोड़ जोड़ धर्म मनन वाले है, तो कोई कोई सत साहब कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहते हैं ना। राधा स्वामी कौन है? जिसकी राधा ने स्वामी को पहचान लिया, जो वहाँ रहता वहाँ जाता है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया और सुरत उसके साथ जुड़ी हुई है, वो है राधा स्वामी। जो उस धुन को अपने अंदर सुनता है, माला फिरू ना हर भजूं, मुख से कहूँ न राम, कबीर साहब ने कह दिया, माला फेरूँ ना हर भजूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। अब कितनी ऊंची बात कहते, कभी कहते वो तो मुझे सिमरन कर रहा है, मैं उसका क्यों सिमरन करूं, मुझे माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, जिसको तुम पुकारते हो वो तुम्हें ही पुकारने लग जाता है, इससे परे मैं और क्या कहूँ। तुम उसको पुकारो तो सही, तुम उसको पुकारो वो तुम्हें पुकारेगा, बच्चा मैं आ जा मैं तेरे इंतज़ार में बैठा हूँ, मगर वहाँ तक जाता कौन है, कौन ही नहीं जाने की कोशिश करता, बाहर ही बाहर सब कुछ है। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही राधा स्वामी। राधा स्वामी सतगुरु पूरे धारा संत अवतार, सुरत शब्द मत योग बताया, सुरत शब्द मत योग बताया, सार सार का सार, सार सार का सार क्या, सार का भी सार निकाल दिया, सार का भी सार निकाल दिया। सुरत शब्द क्या है, हमारा मन, मन की आवाज़ और है, मन की आवाज़, शरीर की आवाज़ और है, मन की आवाज़ और है, सुरत की आवाज़ और है, और आत्मा की आवाज़ और है। परमदयाल जी महाराज ने तो जहाँ तक कह दिया और उसका मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐ इंसान, तेरे शरीर का सांस क्या है? मेरे शरीर का सांस ये जो चल रहा है, ये मेरे शरीर का सांस है। सांस बंद हो जाएगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और मन का सांस क्या है? मन के विचार मन का सांस है, मन की कल्पना मन का सांस है, मन की कामनाएं मन का सांस है। जब ये खत्म हो जाएंगी मन भी शांत हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ, बाबा फकीर जी महाराज की वाणी कह रहा हूँ, मगर क्या दुनिया इसको सुनने के लिए तैयार है? कोई डंडे वाला आएगा तो सुना देगा। आत्मा की, आत्मा का सांस क्या है? आत्मा क्या है? प्रकाश है। प्रकाश नहीं है तो आत्मा भी साइलेंट हो जाएगी,
आत्मा का सांस प्रकाश है और जो मेरी सुरत है उसका सांस शब्द है, इसलिए उसको कहा गया सुरत शब्द योग। क्या कहा मैंने, पूछो आज के गुरुओं को, आचार्यों को, संतों को, क्या तुमने राधा स्वामी मत को जाना है, क्या तुमने उसका अनुभव किया है। मैं बाबा फकीर जी के स्थान से उनसे प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई उनके शिष्य सुनने वाले हों तो उनसे पूछें कि महाराज क्या ये बात सत्य है, अगर सत्य नहीं होती तो दाता दयाल कभी ना लिखते, कबीर साहब कभी ना लिखते, गुरु नानक साहब कभी ना लिखते और दूसरे संत कभी ऐसा होका ना देते कि सुरत शब्द योग सबसे उत्तम योग है, न हठ योग है, न प्राण योग है, ये बाकी सब योग दुनिया के लिए हैं, असली योग सुरत शब्द योग है जो हमें इस जन्म मरण से हमेशा के लिए आज़ादी देगा और हम अपने परम तत्व की गोद में चले जाएंगे। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो, यही है सार का सार, यही है सार का सार, और कोई सार नहीं है, सार का सार होता निचोड़, असली असलियत निचोड़, जैसे जैसे फूलों से अर्क निकलते, फूलों से क्या निकलता है, वो निकालते हैं क्या उसका होता नाम, खुशबूदार चीज़ें, इतर इतर, 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 इतर निकलता है, किससे निकलता है, फूलों से निकालते हैं ना, वो इतर निकलता है, तो ये इतर है, किसका, शरीर का, किसका, मन का, नहीं आत्मा का, नहीं, ये सुरत का इतर है और वो है शब्द। वो कहाँ है, तुम्हारे घट में है, घट में है, घट में है, घट में कोई नहीं उतरता, सब मन के पीछे लगे हुए हैं, अपनी आँखों के पीछे लगे हुए हैं, अपने कान के पीछे लगे हुए हैं और दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, भटके हुए हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, भटक भटक जीवन बर्बाद हो जाता है। आओ मैंने आपके चरणों में दाता दयाल जी महाराज की वाणी का पाठ करवाया है और दाता दयाल जी को बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि शिवरतलाल तू राधा स्वामी मत का वेद व्यास है, जिन्होंने 4500 किताब लिख दी और किसी धर्म का उन्होंने खंडन नहीं किया, मैं भी किसी धर्म का, सब में अच्छाई है, लेकिन उस अच्छाई को ढूंढता कौन है, ढूंढता कोई नहीं है, जो कुछ कहा गया है वहाँ उसके पीछे कोई नहीं चलता, बस बन गए तिलक लगा लिया, तो क्या कहते हैं, खून का टिक्का लगा लिया कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, किसी ने यूँ लगा लिया, किसी ने यूँ लगा लिया, किसी ने कोई कपड़े पहन लिए, किसी ने कोई स्वांग बना लिया, बस बाहर मुखी सुखी हैं और दुनिया को लूट कर खा रहे हैं। जो अपनी हक हलाल की कमाई नहीं खाता वो कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, अगर कर सकता होता तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया है एक शब्द में, काल खाए काल, मेहनत का मेहनत करके खाए, काल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। उन्होंने कह दिया कि नानक साहब कहते हैं, नानक महाराज कहते हैं कि भाई जो अपनी मेहनत करके हक हलाल की कमाई करके खाएगा और उस कमाई से कुछ हथों भी गरीब की मदद करेगा, दुखिए की मदद करेगा, भूखे को रोटी देगा, नंगे को कपड़ा देगा, किसी विधवा की मदद करेगा और सिर्फ उसको नाम की प्राप्ति होगी। जिनकी कमाई ठीक नहीं है, धोखा है, फ्रेब है, वो इस चीज़ के अधिकारी नहीं है और मैं यूँ कहूँगा कि वो ऐसे सत्संग में आएंगे भी नहीं, डर जाएंगे, वो सच्चाई से डरते हुए भाग जाएंगे। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया आप लोगों को, समझो तुम आते हो, भाग्यशाली हो, जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है, बस आँख बंद कर देखो, कान बंद कर सुनो और मुंह बंद कर आवाज़ को, अंदर की आवाज़ को सुनो, आप बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है,
राधा स्वामी करते रहो, राम करते रहो, हरे हरे करते रहो, हरे कृष्णा हरे रामा गाते रहो, थोड़े पल्ले कुछ नहीं पैना, पल्ले अंदर ही पैगा जो कुछ पैगा। तो मैंने कहा बहुत कुछ, सुखी रहो, सच्चे दिल से चाहता हूँ आप लोग चाहे थोड़े हो, मैं बड़ा खुश हूँ, तुम भाग्यशाली हो, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, तुम्हारे घरों में शांति हो, हक हलाल की कमाई खाओ, सुखी रहोगे, मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।